अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक्कातुल मुकर्रमा आना, काबे का तवाफ करना, उम्रा अदा करना, मदीना मुनव्वरा हाजिर होना, रोज़ा रसूल में आकर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश करना, रियाजुल जन्ना में नफल अदा करना, ये हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। अल्लाह पाक हर मुसलमान को ये सआदत अता फरमाए। बात करेंगे राहत ट्रैवल्स ऑफ इंडिया की। भी रमज़ान गुजरा और रमज़ान के बाद ईद आई और हज़ारों ज़ायरीन ने राहत ट्रैवल्स ऑफ इंडिया के साथ अपनी ईद को ईदों की ईद बनाते हुए रमज़ान में और ईद में मक्का और मदीना की हाज़िरी को यकीनी बनाया। यहाँ पर जितने ज़ायरीन आए, बेहतरीन से बेहतरीन होटल्स प्रोवाइड किए गए, सहरी और इफ्तारी के इंतज़ाम किए गए। ज़ायरीन की मदद करते हुए और उनकी रहनुमाई करते हुए राहत का अमला, राहत का स्टाफ हर वक्त उनके साथ रहा, उनकी हर मुश्किल हर मामले में उनकी मदद की। अब कुछ दिन में हज का मुबारक महीना आ रहा है और राहत अपने हाजियों के लिए बहुत पुरजोश है। इंशाअल्लाह हज के फौरी बाद आपने राहत के साथ रहना है। राहत हाजियों की खिदमत के बाद फिर से मोतमरीन की खिदमत के लिए तैयार होगा। राहत ट्रैवल्स ऑफ इंडिया के साथ हमेशा जुड़े रहिए।